नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ECM ट्यूटोरियल्स पर इंजीनियर कैड मास्टर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शीट मेटल के बारे में बताऊंगा। तो शीट मेटल में हम कैसे एक शीट मेटल की प्लेट के ऊपर कट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम और शीट मेटल में देखते हैं कि बहुत सारे कमांड्स हैं हमारे अभी, तो अभी हमारे कमांड्स इनएक्टिव हैं। ये एक्टिव कब होंगे? जब हम कोई हम एक प्लेट ड्रॉ करेंगे, शीट मेटल की प्लेट ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, तो ये सारी कमांड जो हो गया होंगी हमारी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी फिलहाल हमारी ये बेस फ्लेंज बेट है, ये हमारा एक्टिव है क्योंकि इससे हम एक डिफॉल्ट प्लेन लेंगे, ठीक है ना। पार्ट मोल्डिंग में आप यहाँ से प्लेन लेंगे और शीट मेटल में आप यहाँ से प्लेन लेंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो इसमें हम शीट मेटल में तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे पहले भी प्रीवियस वीडियोज में कह चुका हूँ कि हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को अपने दोस्तों तक फैलाएं। तो दोस्तों आते हैं अपनी सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये शीट मेटल टैब मैंने क्लिक कर रखा है, ठीक है, तो ये सब दिखा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, बेस फ्लेंज बेड टैब पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं ये फ्रंट टॉप राइट ये चार हमारे डिफॉल्ट प्लेन्स हैं, किसी एक के ऊपर क्लिक करना आपको और कंट्रोल 8 प्रेस करना है, ठीक है ना। तो आपका ऑरिजिन एकदम सामने आ जाएगा आपके। अब स्केच पे जाएंगे, हम स्केच पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम पहले तो हम एक प्लेट ड्रॉ करेंगे, चाहे आप सर्कुलर प्लेट लो, चाहे रेक्टेंगुलर, चाहे कोई कैसी किस शेप की भी लो। तो हमें ये बाय डिफॉल्ट मेरा सेंटर रेक्टेंगल सेट था, इसको मैंने लिया। ऑरिजिन के ऊपर आएंगे, चाहे आप ऑरिजिन पे लो जाओ या फिर आप कहीं भी विंडो में वर्किंग एरिया में कहीं भी क्लिक कर दो, ठीक है ना, उससे कोई मैटर नहीं करता। अब देखिए ये मैंने एक प्लेट ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अब इसकी मैं डायमेंशन देता हूँ 100x50 की, मीन्स 100 की लेंथ और 50 की इसकी विड्थ रखनी है मुझे इसको। तो मैं ये लेंथ वाली लाइन क्लिक करता हूँ, सॉरी पहले स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, आप क्लिक कर लेंगे लाइन को और इसको ऊपर ले जाएंगे थोड़ा और छोड़ देंगे वहाँ पे, क्लिक कर देंगे। तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, उस टेक्स्ट पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा डायमेंशन टेक्स्ट, उस टेक्स्ट कर दूंगा मैं। अब इसके इस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए एक बार क्लिक करना आपको, फिर छोड़ देना है, ठीक है। जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ये डाइए छोटा सा बॉक्स आएगा, मॉडिफिकेशन बॉक्स। अब इसके अंदर मुझे देना है इसको 50 की डायमेंशन और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अब ये मेरा टोटल करेक्ट हो गया। अब देखिए इसको मैं कंट्रोल दबा के पैन करवाता हूँ, ठीक है ना, डायग्राम को, ताकि आप लोग इसको देख सकें ध्यान बढ़िया से, ठीक है। 100 की लेंथ है हमारी, 50 की विड्थ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है, ये देखिए शीट मेटल के पैरामीटर दिखा रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप इसको देख सके, इसकी थिकनेस आपको दिख सके, ठीक है ना। 1.5 mm मैनुअली डिफॉल्ट सेट रहता है हमारा, ठीक है ना। डायरेक्शन आपको रिवर्स करनी हो तो यहाँ से आप चेक कर दीजिए, रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। अनरिवर्स कर दिया मैंने। और एक के फैक्टर का बैंड अलाउंस आपका इसके अंदर डिफॉल्ट रहता है 0.5, और ऑटो रिलीफ हमारा तब यू करते हैं काम इसका जब हमारी दो प्लेट ऐड हो, ठीक है ना। उनके बीच में जो मतलब जो बैंड होता है, मतलब बैंड के बीच में जो गैप होता है, उसको ऑटो रिलीफ मतलब कितना देना, ओवर राउंड देना, आपको टीयर देना है, रेक्टेंगुलर देना है, ठीक है ना। तो ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये 1.5 थिकनेस का हमारी एक प्लेट ड्रॉ हो गई, ठीक है, शीट मेटल प्लेट। अभी अगर इसे मुझे कलर करना है, मीन्स अपीयर मेटल कलर, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक। अब यहाँ से मैं अपीयरेंस पे जाऊँगा, अपीयरेंस पे जाऊंगा। अब इसकी पूरी बॉडी पे कलर करना है मुझे, बॉडी पे, ठीक है, तो मैंने बॉडी पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैं फिर दोबारा अपीयरेंस पे जाता हूँ, यहाँ से मैं मेटल पे जाऊंगा। कौन सा मेटल चाहिए मुझे? एल्युमिनियम का, ठीक है। अब एल्युमिनियम में मैंने पॉलिश एल्युमिनियम ले लिया और ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया ये यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसको अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं मुझे, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, कलर बनाना, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा डिटेल में, ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए इसका कलर चेंज हो गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे होल करने हैं, एक यहाँ पे सर्कुलर होना है और यहाँ पे रेक्टेंगल होना। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे इस फेस पे करना है। और जैसे मैंने पार्ट मॉडलिंग में करते हैं सेम उसी तरह, ठीक है ना। बस क्या करना है आपको, उसमें हम शीट मेटल में जाते हैं, टैब में जाते हैं, सॉरी उस टाइम हम क्या पार्ट मॉडलिंग में फीचर टैब में जाते हैं, और शीट मेटल में जब करेंगे तो शीट मेटल वाले टाइम में जाएंगे, और वहाँ पे भी एक्सट्रूड कट होता है आपका। देखिए ये रहा एक्सट्रूड कट,
ठीक ना। और अगर आपको सिंपल केवल होल करना हो तो इसके लिए हम ये यूज़ करें। तो अभी मैं आपको एक्सट्रूड कट के बारे में बता रहा हूँ, तो आप एक्सट्रूड कट देख लें, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिंपल होल के बारे में बताऊँगा, ठीक ना। एक्सट्रूड कट में क्या होता है, आप चाहे सर्कल लो, चाहे रेक्टेंगल बनाओ, ड्रॉ करो, चाहे एलिप्स बनाओ, उसको आप क्या करेंगे, आप कट कर सकते हैं सिंपली, ठीक ना। तो सारी प्रोफाइल कट हो जाएगी। अभी हम स्केच में जाते हैं। अब स्केच में मुझे क्या प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। मुझे इधर सर्कल ड्रॉ करना है, इधर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो मैं सर्कल लेता हूँ, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक एकदम सेंटर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक, ये हो गया। अब स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, इस ऑरिजिन को क्लिक करता हूँ, इसके और इसके ऑरिजिन को क्लिक करता हूँ, इनके बीच की जो डायमेंशन है मैं थोड़ी और इसको 50 कर देते हैं, ठीक है, एंटर, तो ये और क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे मालूम है ये मेरा इसका ऑरिजिन है, ठीक है ना दोस्तों, और ये मेरी 100 की लेंथ है, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऑरिजिन पे क्लिक करता हूँ और इसके ऑरिजिन पे क्लिक करूँगा, इसकी डायमेंशन में कितनी रख दूँगा, 100 थी, इसको मैं 50 एंटर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, इसको हम हटा देते हैं और डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करना है, इसके ओरिजिन पे, और इसके ओरिजिन में आपको कंट्रोल प्रेस करना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल रिलेशन, तो ये दोनों की दोनों क्या आ जाएंगी, आपकी हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगी, ठीक है। अब दोबारा क्या करना है आपको, कंट्रोल प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और कोइंसिडेंट कर देना है, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर होल करता हूँ, तो मैं होल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ से इससे बाहर जाएंगे, ये हमारी प्रोफाइल ड्रॉ हो गई, ठीक है, ये देखिए डिम हो गया आपका। अब मैं स्केच को सेलेक्ट करूँगा, जैसे क्लिक करता हूँ हाईलाइट उठ जाएगा। अब मैं फीचर पे नहीं जाऊँगा, ठीक ना, ये मैं पार्ट मॉल्डिंग नहीं करेंगे, हम शीट मेटल में जाएंगे और इसको हम एक्सट्रूड कट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए हमारी थिकनेस थी 1.5 की, ये है डेप्थ वैल्यू 10 की, ठीक ना, तो हम इसको सिंपली ओके कर देंगे, ये देखिए आपकी ये कट हो गया, ठीक ना दोस्तों। अगर देखिए अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो फिर क्या करिए, कट एक्सट्रूड पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप एडिट फीचर में जाइए, तो आप फीचर को एडिट कर सकते हो, ठीक ना। अगर मुझे स्केच में एडिट करना हो तो मैं क्या करूँ, कट एक्सट्रूड पे राइट क्लिक करता हूँ और एडिट स्केच में जाऊँगा, और यहाँ से मुझे अगर स्केच में ये 50 की जगह मुझे 100 करना हो, एंटर कर दिया मैंने, ठीक है, मान लीजिए 100 की जगह मुझे इसको 60 का करना हो, एंटर कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है, एंड अब मैं ओके करता हूँ, जैसे ओके करूँ तो कट हो जाएगा, ठीक ना, तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच के गैप बढ़ गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये था, ठीक है, सिंपल, मतलब सिंपल एक्सट्रूड कट था इसके अंदर। इसके अंदर एक्सट्रूड कट में आप बेनिफिट ये है कि आप इसके अंदर आप सर्कल भी, कोई भी प्रोफाइल ड्रॉ करो वो आपकी कट हो जाएगी, बट सिंपल होल में ऐसा नहीं है, बस ये सिंपली होल करेगा, ठीक है ना आपका दोस्तों। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ECM Tutorials इंजीनियर कैड मास्टर से जुड़े रहिए, और आगे वीडियोस में मैं आपको, ये देखिए ये वेंट है, वेंट का भी यूज़ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शीट मेटल में, जैसे कि आप स्टेबलाइजर बनाते हैं या फिर आप CPU बनाते हैं, तो आप CPU के पीछे देखते हैं फैन लगा होता है, तो ये उसके लिए हम वेंट प्रोफाइल यूज़ करते हैं। वह अगर आप स्टेबलाइजर देखते हैं तो उसके वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं वेंट का, मतलब ठीक ना, फैन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छी कमांड है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए फ्लैटन कमांड है, बहुत इंडस्ट्री में, मतलब कि ड्राइंग को अगर पढ़ना होता है तो उसको फ्लैटन करके उसकी जितनी भी डायमेंशन उसको हम बढ़िया से रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फ्लैटन का यूज़ करते हैं, फोल्ड हुआ, अनफोल्ड हुआ, उस पार्ट को फोल्ड करके, पार्ट को अनफोल्ड करके देखना, ठीक है। और ये रिप कमांड हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शीट मेटल गैसेट हुआ, ये मतलब जैसे आप पार्ट मोल्डिंग में रिप लगाते हैं, ठीक ना, मिस रिप किस लिए होता है, सपोर्ट देने के लिए, मतलब उसकी वो एक सपोर्ट के लिए होता है, ठीक ना आपका, जिससे कि हमारा मतलब मटेरियल दोनों के मटेरियल आपस में बहुत ही टाइट फिट हो सके, ठीक है। और ये एच फ्लेंज, मैटर फ्लेंज, हैम, इन तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ डिटेल में, इनके लिए इनके आगे डिटेल में, इनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोज़
और वीडियोस लेके आऊँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा इसी तरह ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया बेंट हुआ, फ्लैट एंड फोल्ड, अनफोल्ड, रिप, सिंपल होल, फॉर्मिंग टूल। फॉर्मिंग टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि अगर आप कोई भी मतलब डाई का वर्क करना हो, अगर हमें कोई डाई बनानी हो तो उसके लिए हम फॉर्मिंग टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉर्नर्स आ गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जॉग, स्केच बेंट, क्रॉस ब्रेक। ठीक है, तो दोस्त नमस्कार इंजीनियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।